हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक था क्रॉप प्रोडक्शन और आज अपन बात करेंगे जौ बार्ले। जौ का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉर्डियम वल्गर। क्या नाम है? फॉर्डियम वल्गर। कुल ग्रेविनी या ओएसी, कुल कौन सा है? ग्रेविनी। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है एबिसिनिया इथोपिया। एबिसिनिया या इथोपिया, एबिसिनिया या क्या हो जाएगा? इथोपिया। पोस्टर में लिखे ना दक्षिणी अफ्रीका। ये जो का क्या है? उत्पत्ति स्थान। तो वैज्ञानिक नाम फॉर्डियम वल्गर, कुल ग्रेविनी पोएसी, उत्पत्ति स्थान एबिसिनिया इथोपिया, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टोएम बराबर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 14। टोएम बराबर कितने होते हैं? 14। अब बात करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है इसमें? देखो प्रोटीन है 11.5%। कौन सी प्रोटीन होती है वो भी लिख देना। और विन कौन सी प्रोटीन? फॉर्डिन। वसा, वसा 1.3%, वसा 1.3%, प्रोटीन 11.5% और वसा 1.3%। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 64 से 76%। जीन्स, उर्दू जीन। ठीक है, जीन कौन सा इसमें? उर्दू जीन। नेक्स्ट है इसमें पुष्पक्रम, पुष्पक्रम स्पाइक, ईयर स्पाइक, ईयर या क्या बोलेंगे? हेड है, हेड। और इसका दाना कैसा होता है? कैरियोसिस। दाना दाना कैरियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो क्या है? लवणीय व क्षारीयता सहनशील फसल है। जो क्या है? लवणीयता व क्षारीयता सहनशील फसल है। नोट कर लो इसको, क्या है ये? लवणीयता व क्षारीयता सहनशील फसल है। और जो कि जो का उत्पादन व क्षेत्रफल में, उत्पादन जो का उत्पादन व क्षेत्रफल में
स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो पदने प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। जो की फसल वहां पर उगाई जाती है जहां पर गेहूं का उत्पादन कम होता है, जैसे गेहूं की फसल से उत्पादन कम प्राप्त होता है, कम उत्पादन अपने को मिलता है। नेक्स्ट है, जो में अंकुरण के लिए मृदा की सही हुई बलुई दोमट लवणीयता वाली मृदा में भी इसको उगाया जा सकता है। अब जो में अंकुरण के लिए तापमान की बात करते हैं, अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकुरण के लिए। वर्दी के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्दी के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। परिपक्वता के समय कितना रहना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि जौ का वर्गीकरण क्या जाएगा। जौ का वर्गीकरण इसमें होता है, जिस 6 पंक्ति वाला जो एक बार नोट कर लो, देखो जो का वर्गीकरण, जो के वर्गीकरण में पहला आता है 6 पंक्ति वाला होर्डियम वर्ग है ना, मैं होर्डियम वर्ग यानी कि बाली में 6 कतारें, बाली में कितनी कतारें? 6 कतारें, और इसमें प्रोटीन क्या होता है अधिक, इसमें क्या होता है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन अधिक व कार्बोहाइड्रेट कम, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है इसमें कम होती है। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, सर्वाधिक भारत में उगाया जाता है, भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है, भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। नेक्स्ट है, 2 पंक्ति वाला जो होर्डियम डिस्टिलम, होर्डियम डिस्टिलम इसमें देखो 2 पंक्ति वाला, यानी कि बाली में 2 कतारें 2 पंक्ति, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम, वह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है इसमें कम, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तीसरा अनियमित पंक्ति वाला जो
जिसका क्या नाम है ऑडियम इरेगुलर, ऑडियम इरेगुलर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किस्मों, नेक्स्ट किस्में नोट कर लो इनको। अब देखो किस्में, किस्में आरडी 387 राजकिरण, आरडी 387 राजकिरण, आरडी 252, आरडी 387, आरडी 252 और आरडी 2035, आरडी 2035। ये क्या है? ये मौल्यारोप के प्रतिरोधी किस्में हैं। ये जो किस्में हैं इसके प्रतिरोधी हैं मौल्या जो का दो मौल्यारोप है वो प्रतिरोधी किस्में। और कौन सी है? आरडी 387 जिसका नाम क्या है राजकिरण, और आरडी 252, आरडी 2035, आरडी 2552 जरा थी, आरडी 2552 बिलर 2, आरडी 103 बिलर है बोलते हैं बिलर 2, आरडी 103, आरडी 2714, आरडी 2714। कौन कौन सी किस्में हैं देखो, आरडी 252 बिलर 2, आरडी 103, आरडी 2714। ये क्या है? लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील किस्में, लवणीय व क्षारीय मृदा सहनशील किस्में है, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील किस्में है। आरडी 31 क्या है? शुष्क क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्र के लिए। कौन सी किस्म है? आरडी 31। फिर बात करते हैं आरएस 6, ये सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। आरएस 6, आरडी 26-8, आरडी 26-24 और आरडी 25-8, ये सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में है, सिंचित और असिंचित। कौन कौन सी? आरएस 6, आरडी 26-8, आरडी 26-24, आरडी 25-08। फिर आती है आपकी आरडी 27-15, आरडी 27-15 ये दोहरे उद्देश्य के लिए उपयुक्त किस्म है, इसके लिए दोहरे उद्देश्य के लिए। एक करंट एनर्जी है रहता दोहरे उद्देश्य के लिए। उत्परिवर्तित किस्में जैसे BM4 और कौन सी किस्में हैं? BM4, BM11, BM12 और BM13, BM4, BM11, BM12 और BM13, ये उत्परिवर्तित किस्में किसकी? जो की, ठीक है ना, जो की उत्परिवर्तित किस्में हैं। क्या है? जो की उत्परिवर्तित किस्में हैं, ठीक है, इनको नोट करो फिर आगे लिखवाते हैं। देखो जो कि छिलका रहित किस्में, नेक्स्ट है जो कि छिलका रहित किस्में। तो छिलका रहित किस्मों में जैसे डोलमा, कैलाश, हिमाली, करण 3, 15 और 19, ऐसे 1, 6 और 18 भी, ठीक है। क्लीपर छिलका रहित किस्में, डोलमा, कैलाश, हिमाली, करण 3, 15 और 19, ठीक है। माल्ट के लिए उपयुक्त किस्में अल्फा 93 अंबर, क्लीपर, RD 28-49, ये सर्वाधिक मार्ट, सर्वाधिक मार्ट। RD 25-03, आजाद ज्योति 6 पंक्ति वाली किस्में है, कितनी? 6 पंक्ति वाली किस्में है। RDB 1 आ जाती है, RDB 1 ये क्या है? बोनी किस्म, यह है बोनी किस्म है जो गिरती नहीं है,
उनकी आर्यनी नीति है, ठीक है, जो कीर्ति नहीं। ये क्या आपकी दो तीन किस्में हैं, उनको आपको लिख करके याद करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।